हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, हमने घटना चक्र की यह एक प्रैक्टिस सेट लिया है, पहली प्रैक्टिस सेट जो आपके आने वाले एग्जाम यूपीपीएससी आरओएआरओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। साथियों, आप लोग जानते हैं घटना चक्र के बारे में, बहुत ही बड़ी और विश्वसनीय संस्था जिन पर हम लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, बहुत बेहतरीन, उसका हमने एक प्रैक्टिस सेट लिया है। इसी प्रैक्टिस सेट का हम आज आपको पहला प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम आर ओ ए आर ओ और यूपीपीसीएस दोनों के लिए रामबाण साबित होगा। साथियों, बहुत ही कम समय, 1.5 महीने से कम समय बचा है। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 1.5 महीने से लगभग आपके पास समय है, इसी में हम लोगों को जी तोड़ मेहनत करनी है। अगर साथियों इसको आपका अगर पीडीएफ चाहिए, ये एक्सप्लेनेशन सहित ये पीडीएफ है, अगर इसको आपका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम पर इस पीडीएफ को डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक मैं अपने वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप लोग वहां पे जाकर, मेरे टेलीग्राम पे जाकर इसको जो है पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन सही थे, आप लोग इसे दोहरा सकते हैं। तो साथियों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, करंट अफेयर्स से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे, यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल मिलेंगे, सारे के सारे सेटो प्रश्न है। यानी जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो हर सिलेबस के हर एक टॉपिक को ध्यान में रखकर इस पूरे के पूरे सेट को तैयार किया गया है। तो चले हम लोग, अगर इसका आप लोग हमें बहुत अच्छा रिस्पांस देंगे तो इसको मैं बाकी जितनी भी टेस्ट सीरीज है इसको कंटिन्यू करूंगा आगे। तो चले हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। देखें, पहला में हमें जो कह रहे हैं, तो पहला वाला में हमसे क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, और इसमें एक चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, एबीसीडी नहीं दिया है, एबीसीडी की जगह पर इसमें 1 2 3 करके दिया है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपसे जो पूछा जा रहा है, क्या कह रहे हैं दोस्तों, कह रहे हैं पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे, तो भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे पेरिस ओलंपिक 2024 के जो है समापन समारोह में, याद रखें ये समापन समारोह की बात कर रहा है। तो साथियों, इसमें जो इसमें दिया है साथियों, ये जो है कई सारे कथन वाले सवाल हैं, तो इसमें साथियों श्रीजेश हैं और मनु भाकर, तो यहाँ पर 2 और 3 होना चाहिए, विकल्प नंबर यहाँ ये तीसरा आपका हो जाएगा, 2 और 3। तो इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग देखेंगे तो यही है 2 और 3, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में इसके, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन जो है समापन समारोह 11 अगस्त 2024 को जो है पीआर श्रीजेश और मनु भाकर, तो कांस्य पदक के विजेता हैं ये पीआर श्रीजेश, हॉकी टीम में गोलकीपर और 10 मीटर एयर पिस्टल महिला में इन्होंने जो है ये कांस्य पदक जीता था। तो और मनु भाकर तो आप लोग जानते हैं, इससे संबंधित एक्सप्लेनेशन है। तो बाकी हम लोगों ने इसको क्वेश्चन को देख लिया कि हमारा जो है यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए था ये श्रीजेश और मनु भाकर 2 और 3, तो ये तीसरा आपका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, बहुत ही गजब का सवाल है, बहुत अच्छा एसडीजी से सवाल है हमारा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो 2015 में घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, किसके द्वारा, यूएन, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2015 में इसे घोषित किया गया था और लक्ष्य रखा गया, इसमें 17 मुख्य सतत विकास लक्ष्य थे, और इन्हीं 17 सतत विकास लक्ष्यों को कहा गया कि 2030 तक हमें इसे प्राप्त करना है। तो 17 सतत विकास लक्ष्यों को मैंने कई सारे वीडियो में इसको ट्रिक बताया है याद करने का, 17 सतत विकास लक्ष्य जो है, 17 SDG जो है, इसको कैसे याद करेंगे। तो पहला जो होता है साथियों, पहला क्या कहता है कि गरीबी खत्म कर दो, तो गरीबी खत्म हो जाएगी तो आप लोग जानते हैं भूखमरी अपने आप खत्म हो जाएगी, लोग भूखा नहीं मरेंगे, जब गरीब ही नहीं रहेंगे तो भूखा थोड़ी मरेंगे, यानी दूसरा भूखमरी से हो गया। अब लोग जब भूखा नहीं रहेंगे साथियों, इसका मतलब लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग बीमार नहीं होंगे, भरपेट अच्छा भोजन खाएंगे, तो तीसरा क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य से हो जाएगा। अब लोग स्वस्थ रहेंगे तो कहा जाता है स्वस्थ मस्तिष्क में शिक्षा का वास होता है, तो इसका मतलब जब लोग स्वस्थ रहेंगे तो लोग शिक्षित होंगे धीरे धीरे, तो चौथा शिक्षा से हो गया। इसी तरीके से इसको याद करने का एक ट्रिक बनाया जाता है, तो हमने बनाया है, तो यहाँ SDG लिखा है, SDG 1 यानी पहला जो सतत विकास लक्ष्य है वो गरीबी खत्म करने की बात करता है, यानी निर्धनता नहीं, तो दूसरा भूखमरी से है, लेकिन दूसरा यहाँ पर नहीं दिया है, तीसरा दे दिया है, तो तीसरा कहाँ से होगा साथियों, तीसरा साथियों कहाँ से होना चाहिए, स्वास्थ्य से होगा, जब भूखमरी नहीं, जब भूखमरी मिटेगी तो स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो ये तीसरा वाला ये अच्छा स्वास्थ्य हो जाएगा।
तो इन्हीं से अपना अगर आप लोग हम और ये चौथा अभी मैंने बताया गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छी शिक्षा हो जाएगी, और एक ही यहाँ रास्ता है ये यहाँ से। तो आप लोग अब मिलाकर देखेंगे तो कौन सा हमारा सेट बन रहा है, तो गया तो ये तीन वाला होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा, मैंने देख लिया तो यही होगा। आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं साथियों। तो साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर ये तीसरा देखते हैं, बहुत ही लाजवाब बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये साथियों आपसे एक तरफ दे दिया है रामस्थल सूची दे दिया, रामसर स्थल दे दिया है, और दूसरी दूसरी तरफ आपको दूसरी सूची में ये जो यहाँ दूसरी सूची दिया है यहाँ पर राज्य दे दिया है। तो कौन सा रामसर स्थल किस राज्य में है उसे मिलाकर हमें इस सेट में बता देना है। तो यहाँ पर देखें भोज आर्द्र भूमि जो है साथियों यह मध्य प्रदेश में है, यह तो आप लोग बहुत ही पहले से जानते हैं, इसका मतलब ये तो क्लियर है। जब ये क्लियर है इसका मतलब ए वाला दो पर आना चाहिए, तो देख रहे हैं ए वाला दो पर केवल इसी के पास है और किसी के भी पास नहीं है, तो इसका मतलब यही उत्तर होगा। एक ही फैक्ट से हमने उत्तर को निकाल लिया, तो ये हो गया। इसका मतलब साथियों हमें पता लग गया ये रुद्र सागर जो है ये कहाँ पर जाएगा, ये त्रिपुरा में चला जाएगा, ये रुद्र सागर त्रिपुरा में चला जाएगा, और ये सी वाला जो है ये एक पर, ये सॉरी 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 ये सी वाला तीन पर चला आएगा, सही है, आसन कंजर्वेशन ये यहाँ पर चला आएगा, और ये पोंग डैम झील ये हिमाचल प्रदेश में। तो इसका दो होगा इसका आंसर, तो इसको हम एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में भी यहाँ पर दिया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भोज जो है मध्य प्रदेश, रुद्र सागर त्रिपुरा, आसन कंजर्वेशन अरुणाचल प्रदेश, पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश, उत्तर इसका जो है कौन सा था, ये दो वाला था। आगे चले हम लोग देखते हैं, तो साथियों यहाँ पर एक दिया है हमें, क्या पूछ रहे हैं चौथे वाले क्वेश्चन में, चौथे वाले में कह रहे हैं मानव सदृश यानी मानव जैसा लघुत्तम प्रणाली है, लघुत्तम कपी है, तो कपी साथियों इसमें कौन सा लघुत्तम है, एक गिबन होता है, विकल्प नंबर ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हुआ हमारा, ये गिबन होगा ए वाला। तो प्राणी जगत में यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन को अगर हम लोग देखें तो एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन में साथियों यही कहा जा रहा है प्राणी जगत में होमिनो इडिया महापरिवार सदस्य जातियों को कपी कहा जाता है, तो हीन कपी है छोटे लघुत्तम आकार के कपी होते हैं जैसे गिब्बन, और यहाँ महाकपी दिया है यह बड़े आकार के मानव नुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी गोरिल्ला मनुष्य ये सब, तो इस बात को यहाँ ध्यान रखकर इसे देखेंगे। फिलहाल उत्तर आपका मानव जैसा लघुत्तम पूछा तो गिबन हो जाएगा। आगे देखें हम लोग पांचवे में, तो साथियों पांचवे में क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो यहाँ जो पांचवे में हमसे पूछ रहे हैं तो कुछ एक तरफ विटामिन्स का नाम दिया है, दूसरी तरफ जो है दिया गया है वो मतलब विटामिन्स एंजाइम हार्मोन्स दे दिया है, दूसरी तरफ उसका जो है दे दिया है दूसरी सूची में, तो इसे हमें बताकर बताना है कौन सा हमारा सूची सही है। तो देखें तो हमें सेट में इस बताना है, इस सेट में कौन सा हमारा मैच कर रहा है सेट, इसी में बता देना है हमको। तो यहाँ साथियों विटामिन्स यहाँ क्या है, यहाँ ये पेप्सिन तो विटामिन्स नहीं है, कैरोटीन्स कैरिन ये साथियों नहीं है, तो यहाँ कैरोटीन जो गाजर वगैरह में पाए जाते हैं साथियों ये विटामिन है ये आ जाएगा, और हार्मोन साथियों आप लोग जानते हैं ये टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेरोन ये जो होते हैं ये हार्मोन होते हैं, इससे तो हम क्लियर हैं, यानी ए वाला दो पर सी वाला चार पर, ए वाला दो पर सी वाला चार पर, ये तो ये कहाँ पर ऐसा है, ए वाला दो पर सी वाला चार पर, तो ये है दो के पास यहाँ है विकल्प नंबर ये दो वाले में, तो इसका मतलब ये प्रोटीन अब हमें पता चल गया, ये एंजाइम क्या है, ये पेप्सिन क्या होता है एक तरह का एंजाइम है, और ये प्रोटीन यहाँ ये कैरेटीन हो गया, तो इस वजह से हमारा उत्तर यहाँ दो हो गया। एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर इसको आप फिर से दोहराना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करके इसे अच्छे से दोहरा सकते हैं, विटामिन कैरोटीन एंजाइम पेप्सिन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या प्रोस्टेस्टेरोन और ये प्रोटीन कैरोटीन हो गया, तो फिलहाल उत्तर आपका दो हुआ। आगे अगर हम लोग देखें छठवें वाले में, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर छठवें में साथियों आपसे क्या पूछ रहे हैं कि दो सूची दे दिया है, एक तरफ कुछ दिवस है और दूसरी तरफ उसका डेट है, तो कब कौन सा है ये बताकर हमें इसमें मैच में मिलाना है मैचिंग में, और जो सुमेलित है उसे बता देना है। तो देखें अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व शौचालय दिवस, विश्व जल दिवस, यहाँ विश्व जल दिवस से अच्छी खासी परिचित होते हैं, 22 मार्च को
विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो फिलहाल विश्व जल दिवस है तो 22 मार्च, ये तो क्लियर है हमें। इसका मतलब डी वाला 4 पे होना चाहिए। तो देख रहे हैं डी वाला 4 पे कई जगह दिया है, जानता है। हाँ, ये फेमस फैक्ट है तो सभी जानते होंगे। इसका मतलब ये दे दिया है, तो इससे मतलब ये हुआ कि ये उत्तर नहीं हो सकता, इन्हीं तीनों में से कोई होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, यानी ए वाला 3 पर होना चाहिए। ए वाला 3 पर होना चाहिए, तो इसका मतलब अब ए भी गया, या तो उत्तर ये होगा या तो डी वाला होगा। अब आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो है हमारा सी वाला जो है, विश्व शौचालय दिवस। विश्व शौचालय दिवस साथियों ये हमारा चला जाएगा 19 नवंबर के पास। तो विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर के पास चला जाएगा, और बचा है हमारा एक विश्व गौरैया दिवस, ये 20 मार्च के पास। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनना चाहिए, आंसर का सेट ए वाला, यही वाला बन रहा है। और यहाँ दिया भी है ऑप्शन, करेक्ट आंसर ए है। बहुत अच्छा, हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है हमारा ये सातवां। तो सातवें में क्या हमसे पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश अफीम के शीर्ष उत्पादक में बन गया है। तो साथियों अब तक अफीम आप पढ़ते थे कि जो है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान अफीम उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है, लेकिन साथियों म्यांमार ने उसे पछाड़ दिया। और पछाड़कर जो है, इस जो रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट हुआ है, इसमें म्यांमार सबसे अधिक अफीम उत्पादन में, यानी अफीम उत्पादन में टॉप पर बन गया है। तो यहाँ साथियों इस एक्सप्लेनेशन में भी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो जो रिपोर्ट निकाला है वो कौन सा रिपोर्ट निकाला है, यहाँ पर उस रिपोर्ट का नाम दिया है दिसंबर 2023 में, मादक पदार्थों यानी ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी, क्या जारी हुआ, साउथ ईस्ट एशिया ओपियम सर्वे, यानी साउथ ईस्ट एशिया का ओपियम मतलब अफीम होता है, अफीम सर्वे रिपोर्ट आई थी। इसमें म्यांमार अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व का शीर्ष अफीम उत्पादन देश बन गया है। आगे देखें हम लोग आठवें वाले में। तो साथियों आठवें वाले में क्या है, यहाँ पर सिंपल सा सवाल है, क्या है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो संसद जो है साथियों जानते हैं ये केंद्र सूची विषय पर कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर भी बनाती है। इसमें करा है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कैसे, यदि राज्य ऐसा संकल्प पारित कर दे कि हाँ ऐसा जरूरी है, तो विकल्प नंबर बी यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ लीजिएगा किस अनुच्छेद के तहत ऐसे दिया है एक्सप्लेनेशन इसका पूरा। आगे देखें हम लोग, तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में दिया है, क्या है नौवे वाले में, संयुक्त सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच हुआ। तो भारत और यूएई के बीच हुआ साथियों, विकल्प नंबर बी यूएई संयुक्त अरब अमीरात। तो विकल्प नंबर ये सी हो जाएगा, ये कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पहला संस्करण भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सैन्य अभ्यास यहाँ हुआ, कब हुआ ये सब दिया है, राजस्थान के थार मरुस्थल में, ये यहाँ पर बीकानेर के पास हुआ ये। आगे देखें हम लोग अगर ये दसवें वाले में, दसवें वाले में साथियों जो आपसे पूछ रहे हैं, रुधिर वर्णिका जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, हीमोग्लोबिन के संबंध में जो कुछ कथन दिए हैं उन्हीं कथनों पर विचार करके हमें बताना है कि जो है कौन सा हमारा सही है। तो उन्हीं कथनों पर विचार करके हमें सही उत्तर देना है। तो कह रहे हैं साथियों इसमें लौह होता है, यानी इसमें आयरन होता है, यस इसमें आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, इन्हीं के कारण जो है हमारा ब्लड लाल दिखता है, ये तो बात सही है। और यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है, ये बात मैंने पहले बताया, ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं साथियों व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो रोगों के प्रति प्रतिरक्षा करती है, रेड ब्लड सेल्स नहीं। तो ये 3 नहीं होगा उत्तर में हमारे, यानी सही पूछा है तो जहां 3 होगा वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता,
इसका मतलब यही बच रहा है, यही हमारा उत्तर हो गया। देखो हमने एलिमिनेशन के माध्यम से हमने बहुत अच्छे से एलिमिनेट करके तुरंत उत्तर निकाल लिया। हाँ, और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये जानते हैं आप लोग, यानी सब सही है। 1, 2, 4 सही है, 3 सही नहीं है, तो विकल्प नंबर सी। अब यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। रुधिर लगभग 55% प्लाज्मा होता है रुधिर में हमारे, और शेष 45% भाग रुधिराणु होते हैं, और रुधिराणु 3 प्रकार के होते हैं, RBC लाल रक्त कण क्या है, श्वेत रक्त कण क्या है, और प्लेटलेट्स। इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे। और प्लाज्मा में 91% जल होता है, और 9% भाग में विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा PDF से। आगे देखें हम लोग 11वें में क्या दिया है। 11 वाले में जो हमसे पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और हमें बताइए अच्छे से कौन सा हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर कुछ रोग का नाम दिया गया है, और ये रोग किसके वाहक होते हैं, किसके कारण होते हैं, ये वो दे दिया है। आप लोग जानते हैं साथियों, आंख मूंद कर जो आपको पहले अच्छे से आता रहे आप उसे मिला दिया करिए अच्छे से, तो उससे आप भटकेंगे नहीं। एलिमिनेशन में आपको बहुत बड़ा भूमिका निभाता है वो। तो एड्स हम लोग जानते हैं, यहाँ पर एड्स जो होता है वो एक वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। तो ये वाला आपके तीसरे पर चला आएगा, तो ये बी वाला आपका तीसरे पर चला आएगा। और अगर हम लोग आगे देखें, ये गंजापन जो होता है ये कवक के कारण होता है, ये तो आप लोग भी ये सब भी जानते हैं, पढ़े होंगे। तो इसका मतलब अगर इन दोनों दो से आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं, देखते हैं हमारा उत्तर मिलता है कि नहीं। यानी बी वाला हमारा 3 पे जाएगा, बी वाला 3 पर, तो बी वाला 3 पर केवल यहाँ है और यहाँ है, और उसके साथ हमारा सी वाला 2 पर आएगा। तो सी वाला 2 पर आएगा, तो इसका मतलब सी 2 पर केवल यहाँ है, मिल गया हमें आंसर, इसका मतलब चौथा होगा। विकल्प नंबर ये आपका 4 हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। एक्सप्लेनेशन में अगर देखेंगे तो यही चीज दिया गया है। 12वें में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया है 12वें वाले में, क्वेश्चन 12वें में कह रहे हैं कि जैव अवघटनी प्रदूषक हैं। जैव अवघटनी का साथियों इंग्लिश में मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल। तो कौन सी चीज जिसे हम लोग इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं तो वो इको फ्रेंडली होती है, यानी वो पर्यावरण उसे पचा ले जाता है, यानी वो अपघटन हो जाता है उसका, तो उसे हम लोग जैव अपघटनी या इंग्लिश में उसे हम लोग जो है बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो क्या होते हैं बायोडिग्रेडेबल? तो साथियों वही होते हैं जिस जो पर्यावरण फेंकने बाद सड़ गल जाए, खत्म हो जाए, तो उन्हें हम लोग बायोडिग्रेडेबल यानी जैव अपघटनी बोलते हैं। तो लकड़ी, कागज, सीवेज, जो सीवेज के नाले में जो कचड़े पाए जाते हैं वो सब जैव अपघटनी होते हैं। तो विकल्प नंबर ये 4 यही हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और पॉलीथीन वगैरह तो आप लोग जानते हैं, वेस्टस वगैरह ये सब जो है नॉन डिग्रेडेबल है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा भी है इसका जो है एक्सप्लेनेशन, वे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीव धारियों द्वारा पूर्ण विघटन किया जा सकता है, वो जैव अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। यहाँ दिया है, आप लोग PDF से पढ़ सकते हैं इसे। आगे अगर हम लोग देखें ये 13 वाले में, तो इस 13वें में हमें जो दिया है, तो एक तरफ साथियों हमें रामसर स्थल दे दिया है और दूसरी तरफ राज्य दे दिया है। तो कौन सा रामसर स्थल किस राज्य में है ये हमें समझकर मिलाकर, और जो भी हमारे यहाँ पर सेट तैयार हो रहा है जिसमें भी हमारा मैच करेगा उसे मिला देंगे। तो हम लोग जानते हैं समसपुर पंछी अभयारण्य साथियों, ये रायबरेली में है यानी उत्तर प्रदेश में है, तो ये हम उत्तर प्रदेश यहाँ मिला देंगे, ये वाला यहाँ पर चला आएगा। तो ठीक, तो ये वाला यहाँ पर चला है, यानी केवल साथियों मिल गया हमें आंसर, देख रहे हैं केवल ए वाला 1 पर होना चाहिए, हम कंफर्म थे, तो इसका मतलब ये वाला केवल इसी में दिया है, यानी ए के पास ए रहेगा, ये केवल इसी में है और कहीं नहीं है। तो एलिमिनेशन से हमने केवल एक ही फैक्ट के दम पर हमने उत्तर को निकाल लिया, तो यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। तो ये हमने इसको निकाल लिया, तो इसके बाद हम लोग समझ गए हाँ हमारा अंजाम क्या होगा, ये क्या होगा हमारा। डी वाला 4 पे चलाएगा, यानी पाला अर्धभूमि कहाँ है, मिजोरम में होगा, और ये सी वाला 3 पर हो, यानी सिरपुर अर्धभूमि मध्य प्रदेश में होगा, और कुंथन कुलम पंछी अभयारण्य जो है ये तमिलनाडु में है। नाम से ही लग रहा है तमिलनाडु का, जितने भी वहां पर नाम होते हैं आप लोग देखेंगे संस्कृत टाइप का नाम होता है, अगर आप लोग को दिमाग में नहीं आ रहा है तो आप लोग अंदाजिया लगाएंगे तो 70% चांस है हाँ सही हो सकता है, इस तरह का नाम ही होता है वहां। आगे देखें हम लोग, हमारा आंसर हो गया, एक्सप्लेनेशन में आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर।
ये सब एक्सप्लेनेशन में वही बातें हैं। आगे देखें हम 14 वाले में क्या हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 14 में यूएस ओपन टेनिस 2024 के संदर्भ में हमें दो कथन दिए गए हैं, इन्हीं दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा हमारा सत्य है। तो पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं, पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो साथियों ये यूएस ओपन टेनिस ने नहीं जीता है, यहां पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन में दिखाऊं, वो दूसरा जीता है। तो देख रहे हैं यहां पर दे दिया है यूएस ओपन टेनिस 2024 का जो खिताब जीता है वो अगस्त 2024 न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था और विजेता यानिक सिनर थे, इटली के थे। उप विजेता टेलर ये फ्रिड्स थे जो यूएसए के थे। और महिला में तो ये थी एरिना सबलांका और जे रिसिका, ये पेगुला जो है यूएसए की ये उप विजेता थी। और कार्लोस अल्कराज की जहां तक बात की जाए ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे, ये 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन विम्बल्डन पुरुष एकल खिताब जीते थे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल साथियों हमारा क्या हो जाएगा, महिला एकल खिताब बेलारूस की एरिना सबालेंका ने जीता था। तो ये दूसरा हमारा केवल सत्य है, पहला गलत हो गया। तो ये मतलब हमारा केवल दो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो अल्कराज था उन्होंने ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीता था। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ 15 वाले में, तो यहाँ पर हमें दे दिए हैं 15 वाले में एक सूची एक में है, हमें कुछ जो है संस्थाओं से संबंधित नाम दिए गए हैं और उनका ये दिया है किस कानून के तहत वो बने थे, वो नाम दे दिया है। तो यहाँ साथियों हमें दिया है सर्वोच्च, एक चीज हम लोग यहाँ बड़े अच्छे से जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई थी। तो इसको हम यहाँ मिलाकर एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो इससे पता चलेगा हमारा कि बी वाला एक पर होना चाहिए। तो बी वाला एक पर होना चाहिए वो साथियों ये यहाँ पर होगा, विकल्प नंबर ये दो में दिख रहा है हमें। तो साथियों ऐसे ही जब आपको कुछ न समझ में आए तब भी आप पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन से थोड़ा लड़ने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा कि जो आप जानते रहेंगे उसी के दम पर एलिमिनेशन मेथड लगाकर आप जो है थोड़ा कोशिश करके निकाल सकते हैं आंसर। इसका मतलब देखो हमें केवल अगर एक ही जानकारी होती फिर भी हम उत्तर हमें मिल गया, तो इसका मतलब बी वाला एक पर आप जाएगा, यानी जो नियंत्रक परिषद की स्थापना हुई थी वो साथियों कहाँ हुई थी, ये जो है ए वाला तो दो पर हमारा गया, तो ए वाला दो पर गया हमारा, ये तो कुछ इसमें गड़बड़ी लग रही है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बी वाला जो है वो दो पर होना चाहिए ना, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी लग रही है। यहाँ साथियों ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वो तो यहाँ पर ये एक के साथ हुई थी, यानी हमारा बी वाला एक पास होना चाहिए। तो बी वाला एक के केवल यहाँ है, और पिट्स अधिनियम 1984 नियंत्रण की स्थापना चार्टर एक्ट के तहत हुई थी। यहाँ पर कुछ इसमें गड़बड़ी लग रही है हम लोगों को, तो यहाँ पर पेट सिंधिया चौरा नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो हम लोग इसको फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पर या कुछ क्वेश्चन में क्या नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर एक्सप्लेनेशन सही दिया है इसमें ऑप्शन में गड़बड़ी कर दिए हैं इसलिए हम लोग कंफ्यूजन में आ गए। तो हम लोग फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में ये क्या है यहाँ पर, तो कुछ यहाँ पर संस्थाओं के नाम दे दिए गए हैं और वो कब उनका स्थापना किस कानून के तहत हुआ था वो दिया है, तो उसको मिलाकर हमें इस सेट में बताना है कि कौन सा सेट हमारा तैयार हो रहा है। तो साथियों एक चीज हम लोग यहाँ देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वो इसी के तहत हुई थी, और हम लोग जानते हैं ये बहुत ही पॉपुलर फैक्ट है, तो इसी के तहत हुआ, तो विकल्प नंबर हमारा बी वाला एक के पास आना चाहिए। तो बी वाला एक के पास केवल यहाँ है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ये दो हो जाएगा ये वाला। और ये हो गया हमारा बी वाला एक के पास जाएगा, बाकी अब हम पता पा गए ए वाला हमारा दो के पास आएगा, ये नियंत्रक परिषद की स्थापना पिट्स
जो है एक्ट 84 के, 1784 के तहत हुआ। और जो है सी वाला तो हमारा 3 के पास जाएगा, इंग्लिश मिशनरियों को जो भारत में जो है धर्म प्रचार के लिए आए, चार्टर एक्ट 1813 के तहत आए थे। इसी में जो है चाय चीन को छोड़कर और बाकी सब व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ था अंग्रेजों का, कंपनियों का। और यहाँ पर गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो हुई थी, चार्टर एक्ट 33। और 33 में एक बात और हुआ, चाय और चीन के साथ व्यापार भी समाप्त कर दिया गया था, ये सब भी आप लोग जानते हैं। तो हुआ यहाँ भी आपका 2 सही है, एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ देख लीजिएगा इसको। आगे देखें हम लोग, तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर ये 16 है, इसमें जो हमसे पूछा जा रहा है साथियों, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा एक सही सुमेलित है, 4 हमें दिया है मैचिंग कराकर, उसमें 3 मिस मैच है और एक सही मैचिंग है, उसी सही मैचिंग को हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। तो संविधान का दूसरा भाग साथियों हमारा, जानते हैं संविधान का पहला भाग जो होता है राज्यों में संघ से संबंधित है, और दूसरा जो होता है नागरिकता से संबंधित है, मौलिक अधिकार से नहीं, ये सिटीजन से है, नागरिकता से। तो ये तो हमारा यहाँ हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो गलत निकल गया, सही हमसे पूछे हैं। संविधान का तीसरा भाग साथियों कह रहे हैं नागरिकता, तो नागरिकता नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से संबंधित है ये। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया हमारा, सही अभी नहीं मिला। संविधान का चौथा भाग का क जो है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51A के तहत जो जोड़ा गया है साथियों भाग चौथे ए में, तो मौलिक कर्तव्य ही जोड़ा गया है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 11वां फिर बाद में जोड़ा गया, तो यही सही है। बाकी यहाँ पांचवां भाग कह रहे हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, नहीं साथियों पांचवां में ये संघ का मामला है, तो ये भी गड़बड़ हो गया, केवल हमारा 3 सही है। तो उत्तर यहाँ दिया भी है 3, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन में। तो यहाँ हमें 17 में जो दिए हैं, 17 में करे हैं असत्य को बताना है, यानी जो गलत है उसे ही हमें बताना है। तो गलत असत्य वाले में हमें क्या बताना है, असत्य वाले में देखते हैं। तो पहला वाला क्या, जब आप पढ़ोगे क्या है, करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 2011 में किया गया था, तो साथियों ये सरासर गलत है, इसको जो है 2010 में इसका गठन किया गया था, यानी पर्यावरण संबंधी मुद्दे अगर हो तो उसको ज्यादा समय तक हम न्यायालय में नहीं मतलब पेंडिंग रख सकते, उसका जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है, लाखों लोगों के जीव मतलब वो जान से संबंधित होता है, तो इसीलिए आया गया था, पर्यावरण मामलों को जल्द से जल्द सुलझाया जाए, तो नेशनल जो पेंडिंग में केसेस हैं पर्यावरण संबंधी, तो वो तो ये गलत हो गया, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में पारित हुआ, ये तो बिल्कुल सही है आपका। तो यानी पहला गलत हो गया, क्योंकि 11 की जगह 10 देना चाहिए था 2010 में, और ये दूसरा सही है, पहला गलत दूसरा सही, यानी यहाँ जो आंसर होगा हमारा, तो कह रहे हैं कौन सा अच्छा, असत्य पूछ रहे हैं ना, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, असत्य यहाँ ध्यान रखेंगे, हम लोग को दिमाग में ज्यादातर यही चलता है कि सत्य पूछा है, तो हम लोग सत्य की तरफ ज्यादा भागते हैं, तो असत्य पूछा, तो असत्य केवल एक है। आगे देखें हम लोग, यहाँ पर दिया भी है एक्सप्लेनेशन में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 के अधीन किया गया था, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86 में। आगे अगर हम लोग देखें 18 में, तो 18 वाले में जो हमसे पूछ रहे हैं, भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल हैं, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता मतलब बायोडायवर्सिटी के तप्त स्थल, जिसे इंग्लिश में हम लोग हॉट स्पॉट बोलते हैं, तो हॉट स्पॉट के कौन सा है साथियों, हम लोग जानते हैं हमारा जो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ऐसे जो है ये सब जो है ये तप्त स्थल है, जहां तप्त स्थल क्या होता है कि जैसे भारी भरकम वहां जैव विविधता भी पाई जाती है, अच्छे खासे जैव विविधता बायोडायवर्सिटी भी है और उन पर खतरा भी है एक तरह का, तो वही है विकल्प नंबर ये बी आपका हो जाएगा, दूसरा वाला ये पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय घाट, ये है हमारा। यहाँ पर आप लोग इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, इस समय भारत में कुल कह रहे हैं 36 हॉट स्पॉट हैं यहाँ पर, यही है, और बाकी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। अब यहाँ पर 19 वाले में हम देखें फिर मैचिंग वाले सवाल, क्योंकि साथियों हमें जो RO ARO का हो गया या UPPCS का हो गया, इसमें हमें मैचिंग वाले, कथन कारण वाले और मिलान वाले ऐसे सवाल बहुत आते हैं, तो इन्हीं के बेस पर ये बनी है। तो हम लोग यहाँ देखें ये 19 वाले में, तो एक तरफ हमें संस्थान कुछ दिए हैं, इंस्टीट्यूशंस दिए हैं, और दूसरी तरफ दिए हैं वो इंस्टीट्यूशन किस आर्टिकल्स के तहत बनाए गए हैं, किस आर्टिकल के तहत वो हमारे संविधान में बैठे गए हैं। तो
देखें, हम लोग यहाँ पर हमें मालूम है भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अनुच्छेद 148 में है, इसको तो आप लोग जानते हैं, खूब पढ़े होंगे इसके बारे में, यानी ए वाला तो 3 पर आएगा। ए वाला जब ये 3 पर आएगा तो इसका मतलब या तो उत्तर हमारा ये होगा या तो ये, क्योंकि इन्हीं दोनों के पास ए है, इसका मतलब ये दोनों का आप लोग पहले हटा दीजिए अपने सामने से, तो ये हो जाएगा। और हमें यहाँ पर दिया है साथियों संघ लोक सेवा आयोग, इसे आप लोग अच्छे से जानते होंगे, संघ लोक सेवा आयोग जो है ये तो है हमारा जो है ये एक के पास जाएगा, अनुच्छेद 315 में दिया गया है, तो यहाँ पर चला आएगा, तो ये दोनों में है, तो हमारा काम नहीं बना, हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो और आगे अगर हम लोग देखें प्रशासनिक अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण में साथियों ये प्रशासनिक अधिकरण में जो है हमारा ये 263 है, जो है ये प्रशासनिक अधिकरण में 223 ए है ये वाला। अच्छा, ये प्रशासनिक अधिकरण सी वाला जो है ये 4 पे चला आएगा हमारा, तो सी वाला, तो ये एक सेकेंड, ये वाला यहाँ पर आएगा प्रशासनिक अधिकरण, संघ लोक सेवा आयोग यहाँ गया, और ये जो है हमारा ये सी वाला हमारा 4 पे चला आएगा। यस, ये प्रशासनिक अधिकरण ये 23 में, और बचा एक ही हमारा बचा है, तो इसका रास्ता यहाँ पर हमारा ये 263 पे आएगा, ए हमारा सही होगा, ये वाला, ए वाला हमारा यहाँ सही है, 19 में ए। क्या पूछा जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। नीचे आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इन चारों शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो आप लोग जानते हैं जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि संप्रभुता भी उसमें है, लोकतंत्रात्मक भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, यह फेडरल आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो संघी लिखा है जो विकल्प नंबर चौथे में, तो ये संघी शब्द हमारे प्रस्तावना में नहीं है, तो विकल्प नंबर ये 4 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें लिखा है कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है। आगे देखें हम लोग, अगर यहाँ आप लोग देखिएगा, अगर हम लोग देखें 21 में, तो इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है इन चारों दिए हुए विकल्पों में, एक मिस मैचिंग है, उसी मिस मैचिंग को हमें पकड़ना है। तो यहाँ पर लिखा है साथियों ट्राइफेड जो 1987 में आया था, ये तो सही है, एक मार्ग संबंधित एक्ट जो है, एक तरह का ये साथियों लोगो होता है, ये 1937 में ये भी आया था, और राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान ये दे दिया है 1986, ये 1986 में नया होकर साथियों, ये इसके 2 साल बाद 1988 में आया था यह राशि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। तो ये वाला आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सब सुमेलित हैं, प्रथम दो, ये 3 वाला सुमेलित नहीं था, यही गलत था आपका, और बाकी खाद्य मिलावट निरोधक ये कानून जो है 54 में ही आया था ये, तो यहाँ चौथा ये तीसरा जो है आपका आंसर हो जाएगा, ये जयपुर में इसकी जो संस्थान है, ये राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1988 में हुआ था, और जिसका जो है हेडक्वार्टर जो है जयपुर में है। तो आगे देखें हम लोग, ये 22 वाले में क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है इकोलॉजी से संबंधित, यहाँ पर जयोभार, यहाँ पर ध्यान आप लोग देंगे, ये जयोभार पूछा जा रहा है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बायोमास कहते हैं, तो बायोमास से संबंधित है यह पिरामिड, आप लोग को जानते हैं ये जयोभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में सीधा होता है। तो यहाँ सीधा पूछा जा रहा है किस पारिस्थितिक तंत्र में पिरामिड जो है जयोभार के सेंस में ये सीधा होता है। तो यहाँ पिरामिड आप लोग जानते हैं, जैसे ये सीधा पिरामिड हो गया और ये उल्टा पिरामिड हो गया, तो जयोभार के सेंस में पूछ रहा है किस पारिस्थितिक तंत्र में ये सीधा होता है, यानी इस टाइप का, तो ये स्थली पारिस्थितिक तंत्र में ये सीधा होता है जयोभार के सेंस में, क्योंकि जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनकी संख्या भी ज्यादा होती है और उनको जो है जयोभार भी ज्यादा होता है उनमें, तो यानी जैसे जैसे हम लोग अगले स्तर पर जाते हैं ये जयोभार कम होती जाती है, ये वाला इसमें सेंस निकल रहा है, जबकि ये तालाब वाले में साथियों ये उलट जाता है। तालाब वाले में क्या होता है, या नदी महासागर वाले में, ये प्राथमिक उत्पादक ज्यादा तो होते हैं लेकिन उनका जयोभार कम होता है, जैसे जैसे हम लोग अगले स्टेज में जाते हैं उनका जयोभार बढ़ता जाता है,
उनकी संख्या घटती जाती है। तो ये तो उल्टा हो गया, महासागर के सेंस में ये होता, लेकिन ये स्थली पारिस्थितिक तंत्र के सेंस में ये होगा सीधा वाला। तो आगे हम लोग देखें, आगे हमारा क्या है, ये 23 वाले में, इसमें जो हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 में, कौन किसे मेगा ड्राइवर्स देश के रूप में नहीं जाना जाता है। तो मेगा ड्राइवर देश के बारे में सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि ये मेगा ड्राइवर देश यानी मेगा ड्राइवर्स कंट्री होते क्या हैं, और इनमें से जो नहीं है उसी को हमें पकड़ना है। तो देखें, मेगा ड्राइवर देश का मतलब ऐसा देश साथियों जहां पर जो जो है बायोडाइवर्सिटी में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हो। तो यहाँ पर वही है, ऑस्ट्रेलिया भी है, भारत भी है, पेरू भी है, यहाँ नेपाल नहीं है। तो नेपाल जो है मेगा ड्राइवर देश के रूप में सम्मिलित नहीं है, विकल्प नंबर आपका ये डी हो जाएगा। यहाँ देखते हैं आप लोग, मेगा ड्राइवर देश ऐसे देशों का समूह है जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता देश पाई जाती है। तो यही है यहाँ विकल्प नंबर, तो यहाँ मेगा नेपाल जो है वह मेगा ड्राइवर्स में शामिल नहीं है और बाकी सब हैं। आगे देखें हम लोग, यहाँ जो क्वेश्चन नंबर ये 24 में हमसे देख रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं इसमें, पिछौला झील, यहाँ पर पूछ रहा है, एक झील का नाम दे दिए हैं पिछौला झील, किस राज्य में ये स्थित है। तो ये तो सिंपल सी बात है, ये राजस्थान में है, विकल्प नंबर ये आपका सी हो जाएगा, राजस्थान में। आगे देखें हम लोग, राजस्थान के उदयपुर में, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर ये 25 है इसमें देखते हैं, कह रहे हैं कि कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न आ गया है इसमें, भाषा के आधार पर कौन सा प्रश्न सबसे पहला राज्य बना है भारत में, तो आंध्र प्रदेश बना है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये वाला 1953 में। आगे देखें हम लोग, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 26 है, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहे हैं, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर साथियों कुछ हमें चार विकल्प दिए गए हैं, जो मौलिक कर्तव्यों में नहीं है उसे ही पकड़ना है। तो मौलिक कर्तव्य हमें जानते हैं साथियों, संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया है, अनुच्छेद 51A में अनुच्छेद जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है, तो उसमें ये भी है, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये तो है, लेकिन हमें उसे पकड़ना है जो नहीं है। यहाँ क्या है दूसरे में, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, यस ये भी है, तो ये भी है, लेकिन अभी तक हमें आंसर नहीं मिला क्योंकि हमें जो गलत रहेगा उसे पकड़ना है। यहाँ दिया है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। तो साथियों आप लोग जानते हैं DPSP में अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 में ये बात लिखी गई है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, तो ये DPSP संबंधित अनुच्छेद 40 हो गया। तो अनुच्छेद 40 साथियों DPSP में आता है, राजकीय नीति निदेशक तत्व में आएगा, न कि मौलिक कर्तव्य में। तो यही तीन आपका गलत हो गया, यही तीन आपका आंसर होगा। बाकी ये भी है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करना, हिंसा से दूर रहना, ये 1, 2 और 4 मौलिक कर्तव्य हैं, और जबकि तीसरा DPSP से संबंधित था। आगे देखें, ये जो हमें क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसमें देखो लिखा है साथियों हमें क्या पूछ रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित कौन है, तो किससे संबंधित है, वो जल प्रदूषण से है या वायु प्रदूषण से या जलवायु परिवर्तन से या ओजोन क्षरण से। तो साथियों यह जो है यह जलवायु परिवर्तन से होगा, विकल्प नंबर यह तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो होता है उसी के तहत ये हुआ था, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो है ये कार्यक्रम। आगे देखें हम लोग ये 28 में, तो इसमें जो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होता है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, वे क्या कहलाते हैं। तो आप लोग जानते हैं साथियों प्रोटॉनों की संख्या का मतलब ये होता है साथियों उसके न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो प्रोटॉन की संख्या जब बराबर होते हैं उसमें न्यूट्रॉन घट बढ़ होते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जैसे ये यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे मान लीजिए 2 प्रोटॉन है, इसमें
इसकी साइज थोड़ा सा घट बढ़ गई, तो ऐसे मान लीजिए ये दो प्रोटॉन है, इनमें अगर संख्या समान है तो इसका मतलब, और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है, तो इसको हम लोग साथियों समस्थानिक आइसोटोप बोलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं एक H2O हो गया और एक D2O हो गया, तो इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या बराबर है, सिर्फ न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो गई, ये साधारण जल हो गया, ये भारी जल हो गया, तो यही इसमें अंतर होता है। अगर यही उल्टा बात कर दे हम लोग तो संभारिक हो जाएगा, तो यहां पर ये विकल्प नंबर आपका चौथा हो जाएगा, समस्थानिक आइसोटॉप्स। तो याद रखें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो सेम होने पर वो समस्थानिक होता है। आगे अगर हम लोग देखें अपना में ये 29 में, तो यहां पर हमें जो लिखा है ओडी ओपी से संबंधित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये उत्तर प्रदेश में 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लेकर आई थी कि हर जिले में एक जो पारंपरिक उत्पाद है उसमें उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उसमें उसकी पहचान वापस दिलाने के लिए 2018 में यूपी सरकार ने इसको लेकर आई थी। तो इसमें कह रहा है ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो योजना है उसके आधार पर कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं पर जरूर गौर करेंगे, ये जो नहीं है तो बस्ती में साथियों जो बस्ती डिस्ट्रिक्ट है वो कास्ट शिल्प यानी जो लकड़ी का शिल्प है उससे संबंधित है, यस ये सही है। प्रयागराज में मंजू उत्पादन, यस ये भी सही है अपनी जगह पे, अभी भी हमें आंसर नहीं मिला क्योंकि जो गलत आएगा उसे हमारे हम पकड़ेंगे। ये बुलंदशहर कह रहे हैं कांच उत्पादन, तो यही गलत है क्योंकि साथियों कांच उत्पादन तो साथियों फिरोजाबाद है ना, ये फिरोजाबाद हो गया, बुलंदशहर में तो चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, तो ये तो यहाँ पर ये बात जो है हमारा गलत हो गया, बुलंदशहर ये कांच वाला तो साथियों ये फिरोजाबाद में है जहां पर अभी उपचुनाव होने वाला है, तो फिरोजाबाद में है तो ये गलत हो गया हमारा, तो यही जिसको मैंने ये मार्किंग किया है यही आपका उत्तर होगा क्योंकि इसी को उन्होंने गलत मैच कराया था। और ये महाराजगंज ये फर्नीचर से संबंधित, लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं उससे संबंधित काम होता है, बहुत ही खूबसूरत जिला उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बगल में, तो ये चौथा पहला दूसरा सब सही है, ये तीसरा वाला ये गलत है। आगे हम लोग देखें यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, आगे देखें हम लोग अगर ये 30 में, तो इसमें हमें साथियों ये कथन से संबंधित सवाल दिए, दो कथन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के सेंस में, तो उत्तर प्रदेश के सेंस में दो कथन है हमारे पास, इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देने हैं। तो हम लोग अगर ये पहला वाला कथन पढ़ते हैं अगर, तो कह रहे हैं कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 6% से अधिक भाग पर वन है, ये तो सही बात है साथियों, 6% से अधिक भाग पर वन है उत्तर प्रदेश में, लगभग 6.25 अगर हम लोग वन आवरण के सेंस में कह लें या 7 के आसपास साथियों इसका जैसे भौगोलिक क्षेत्र में है, तो ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि अधिक लगा दिया तो अधिक कुछ भी हो सकता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात सच है। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वन आवरण वाला जिला भदोही है, यस साथियों भदोही न्यूनतम आवरण वाला ये क्षेत्र है, और भदोही के बगल जस्ट एक मिर्जापुर है वो दूसरा सबसे ज्यादा वन आवरण वाला, सोचो कितना डिफरेंस है, तो ये दोनों बातें सही है यहाँ पर, तो जो हमारा आंसर होना चाहिए वो 1 और 2 यानी ये 3 वाला हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा इंडियन फॉरेस्ट ऑफ रिपोर्ट जो है 2021 वाले के अनुसार सारा डाटा दिया गया है। आगे अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या दिया है, ये 31 में, 31 में क्या पूछा जा रहा है, अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद के इस्तीफा और निर्वासन के बाद वहां अपनी बनी अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं, तो साथियों वही मोहम्मद यूनुस बने हैं, विकल्प नंबर सी यही बने हैं वहां के प्रमुख, ये हो जाएगा। तो यहां देख मोहम्मद यूनुस 8 अगस्त बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने हैं, तो यही है यहां पर सेंस। और मोइजू को तो आप लोग जानते हैं मालदीव के राष्ट्रपति हैं, ये हमेशा चर्चा में रहते हैं ये। आगे देखें ये 32 में क्या है, सॉरी एक मिनट, तो ये 32 में क्या देख रहे हैं, इसमें है कह रहे हैं कि दिसंबर 2023 में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया गया है,
तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकारी अध्यक्ष कार्यकारी जो नामित किया गया है साथियों, वो संजीव खन्ना को किया गया है। विकल्प नंबर दूसरा यहाँ आपका सही हो जाएगा। ये दिसंबर में ये इन्हीं को किया गया। यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति भी रह चुके हैं। तो विकल्प नंबर ये आपका ये सी वाला हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा, संजीव खन्ना। तो जिसे हम लोग इस संस्था को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नालसा भी कहते हैं। आगे देखें हम लोग तो यहाँ ये जो 33 है, 33 वाले में जो हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के, भी एक तरह से बच्चों वाला ही प्रश्न है, सिंपल सा है, आप लोग जानते हैं, लेकिन यह कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखें किस तत्व की कमी के कारण, किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं। आप लोग जानते हैं प्रकृति ने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि हर चीज जो है अपने हिसाब से चलती है। जैसे आप लोग रेगिस्तान में मतलब वो जो रेगिस्तानी एरिया वहां पर जाएंगे, जो पौधे होते हैं, तो जैसे वहां के जो पौधे हो गए उनकी जड़ें पानी की कमी रहती है, तो पानी की खोज के लिए उनकी जड़ें बहुत अंदर तक चली जाती हैं। तो उसी प्रकार ऐसे जो पेड़ पौधे होते हैं जिसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए तो उनके पत्ते घड़े टाइप के होते हैं, ऐसे खूब सुगंधित वो घड़े खुल जाते हैं, उसमें सुगंधित कुछ पदार्थ निकलते हैं, वो बहुत ज्यादा स्मेलिंग करती है, तो कुछ कीट आकर उसमें बैठ जाते हैं उसके घड़े जैसे पत्तों में, फिर वो घड़े जैसा पत्ता बंद हो जाता है, तो वो कीट भच्छी जो होते हैं, मतलब कीट पतंगे होते हैं, वो मर जाते हैं उसी पत्ती के अंदर। तो होता क्या है, तो उसी जो मर जाते हैं उनके बॉडी से जो नाइट्रोजन मिलता है उसी से अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेते हैं। तो उनमें ऐसा ये प्रकृति की देन है, इसमें हम लोग नहीं कुछ करते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो उनका भक्षण करते हैं, तो उन्हें कीट भक्षी पौधे कहते हैं। आगे देखें अगर हम लोग तो यहां पर एक हमें यूपी स्पेशल से संबंधित सवाल है, सिंपल सा सवाल है लेकिन थोड़ा सा ये घुमा दिया है, तो बहुत सारे लोग ऐसे सवालों को यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो कैसे गलती करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो हमें मिस मैचिंग है उसी मिस मैचिंग को पकड़ना है। तो यहाँ देखेंगे, ध्यान करेंगे आप लोग, ये यूपी की प्रथम महिला राज्यपाल, तो आप लोग जानते हैं यूपी के साथ साथ ये पूरे भारत के भी महिला के सेंस में ये पहली जो है राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू, ये तो सही बात है, लेकिन अभी भी आंसर नहीं मिला क्योंकि आंसर हमें गलत चाहिए जो मिस मैचिंग है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है पीबी टंडन, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अभी भी उत्तर नहीं मिला, देखते हैं कहां मिलता है। तो तीसरा वाला में हम लोग पढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, यस, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के साथ है, ये भारत की भी, यानी ऐसा भारत में पहली बार हुआ जब किसी राज्य में महिला भी ये मतलब मुख्यमंत्री बनी, तो सुचेता कृपलानी। अगर ऐसे ही कभी आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री, तो वहां मायावती जी बता दीजिएगा। तो फिलहाल ये प्रथम तीनों यहाँ पर सत्य हैं अपनी जगह पर। अब हमें पता चल गया जब हम क्लियर हैं 100% कि हाँ प्रथम तीन यही सत्य है, तो आंख मूंद कर हमें चौथे के बारे में जानकारी हो या ना हो तो हम लोग कह देंगे हाँ भाई यही उत्तर है, हम इसके बारे में जानते हो या ना जानते हो, क्योंकि कौन सा सही नहीं है, तो जो पहले तीन सही हो गए तो स्वाभाविक सी बात है कि ये हमारा चौथा जो है यही हमारा ये गलत होगा। तो फिलहाल क्यों गलत हुआ, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कह रहे हैं संपूर्णानंद, नहीं भाई ये तो बाद बने थे, इसके पहले साथियों जो बने थे वो गोविंद वल्लभ पंत बने थे, तो विकल्प नंबर ये आपका डी गलत हो जाएगा, संपूर्णानंद नहीं, ये गोविंद वल्लभ पंत जी बने थे पहले, इसके बाद ये बने थे। तो चौथा यहाँ पर हमारा गलत निकल गया, यही हमारा आंसर होगा। और आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये 35 वाले में, तो जो 35 वाले में यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, ये सवाल बहुत अच्छा है, कई सारे एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं और बच्चे जो है थोड़ा अकवर्ड फील करते हैं इसे देखकर, उनको समझ नहीं आता ये क्या है। एजेंडा 21 जो ये है ये पूछा जा रहा है। आप लोग जानते हैं कि 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने कई सारे सतत विकास लक्ष्यों की एक योजना तय करते हैं, उनमें वो 17 सतत विकास लक्ष्य को निर्धारित करते हैं कि हमें इस 17 सतत विकास लक्ष्य को 2030 तक इसे जो है
प्राप्त करना है। तो ये चीज मैं अभी आपको बताया था ये पहले वाले को प्रश्न में, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर वही चीज है कि सतत 21वीं सदी में सतत विकास और पर्यावरण के संरक्षण को कार्य योजना तय करना है, तो यही बात है, एजेंडा 21 इसी से संबंधित है। तो विकल्प नंबर ये आपका सी हो जाएगा, तीसरा वाला, कि 21वीं सदी में सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विश्व पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य योजना तय किया गया था। तो विकल्प नंबर सी, इसी को नाम दिया गया एजेंडा 21। आगे अगर हम लोग देखें तो ये जो मतलब है संस्था है, ये गैर बाध्यकारी है, यानी किसी के जबरदस्ती ये नहीं करता है। आगे अगर हम लोग देखें तो ये हमारा 35 हो गया, 36 में क्या है, तो ये 36 में क्या पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनजातियां, एक तरफ साथियों हमें ये उत्तर प्रदेश की जनजातियां दी गई हैं यूपी की, और दूसरे बाद उनके जिले दिए गए हैं, तो जो मिस मैचिंग है उसे ही हमें पकड़ना है, एक तरफ जनजातियां दूसरी तरफ उसके जिले, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, एक आपको मिस मैच कर दिया गया है, उसी मिस मैचिंग को पकड़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देखें ये क्या लिखा है पहले वाले में, परहिया, तो परहिया जो है ये जनजाति ये सोनभद्र में पाई जाती है, जी बिल्कुल सही है, और ये सहरया, तो सहरया जो है ये ललितपुर में पाया जाता है, ये भी सही है। यहाँ गलती यहाँ किए गए हैं, अगरिया जो लिख दिए गए हैं इसे जो है कह रहे हैं देवरिया में है, ये सोच रहे हैं कि इसी धुन पर एक नाम दे देंगे तो बच्चे सोचेंगे हाँ ये यही है, लेकिन नहीं, ये अभी जो है सोनभद्र में ही है। तो कहाँ है ये, यहाँ देख भी रहे हैं आप लोग, ये अगरिया जो है ये सोनभद्र में है, तो इसका मतलब यही गलत हो गया और यही आपका उत्तर होगा, चेरो जो है वो वाराणसी, जैसे वाराणसी सोनभद्र में पाई जाती है, तो यही सी आपका गलत हो गया, ये देवरिया की जगह नहीं होकर ये सोनभद्र होना चाहिए। आगे देखें हम लोग तो 37 में एक मैचिंग वाला सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए मैचिंग वाला सवाल, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि पहले आप जो क्लियर है उसी को मिला दीजिए, उसी से आपका आंसर हमारा वही हमें आंसर तक ले जाएगा। तो देखें हमें यहाँ पर साथियों जानते हैं यहाँ गोवा में पुर्तगाल बसे हुए थे, तो ये तो हम क्लियर है, और सबसे अंत में पुर्तगाली ही सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में पुर्तगाली ही गए थे, गोवा में बसे हुए थे ये, तो बी वाला हमारा 3 पर रहना चाहिए। तो देखो कहीं ऐसा है जो बी 3 पर बसा लगा हुआ है तो यहाँ है, और कहीं ऐसा नहीं है जो 3 नंबर बी पर है, तो इसका मतलब हमें एक ही से उत्तर मिल गया, अब हमें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, हमें जानकारी हो या ना हो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये सबको पता है, तो कक्षा 8वीं से ही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। तो विकल्प नंबर ए हमारा यही सत्य होगा, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि हाँ यही हमारा उत्तर होगा, तो इसके आधार पर अब हम कह सकते हैं ए वाला हमारा 2 पर आएगा, पांडिचेरी में फ्रेंच बसे हुए थे, और यहाँ पर ये सद्रास में जो है ये जो है डच थे, और एक बचा है हमारा उसका बेचारे का तो रास्ता यही है। तो आगे चले हम लोग तो देखते हैं क्या है, तो ये जो 38 है इसमें जो पूछा जा रहा है कि क्या गजब का सवाल है, देख रहे हैं आप लोग, ये भारत का जो सबसे उत्तरी सबसे दक्षिणी सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी ये अपना जो क्षेत्र दिया गया है, सुदूर बिंदु दिया गया है, और दूसरी तरफ उसका लोकेशन है, तो भारत का सुदूर बिंदु, सुदूर का मतलब सबसे दूरस्थ बिंदु, और ये अवस्थिति यहाँ पर दे दिया गया है उसका लोकेशन। तो एक चीज आप लोग यहाँ पढ़ते आए हैं, बहुत ही फेमस फैक्ट है, ऐसे ही मान लीजिए भारत है, और यहाँ पर जो तमिलनाडु का जो सबसे यहाँ पर भारत का सबसे जो मुख्य भूमि, इसे मुख्य भूमि कहा जाता है, जो मैंने आपको मैप बनाया, ये मुख्य भूमि का सबसे लास्ट पॉइंट जो है यहाँ पर कन्याकुमारी है, तो ये तो कन्याकुमारी हो गया यहाँ पर, जहां पर मैंने मार्किंग लाल कलर से किया है, और इसके थोड़ा सा और दक्षिण में जाएंगे तो वहां इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार वाले जो द्वीप है वहां पर पड़ जाता है। तो सबसे सुदूर पूछा है, तो सबसे दक्षिणी अगर पूछे तो आप लोग जानते हैं सुदूर दक्षिणी ये कहाँ चला जाएगा, ये इंदिरा पॉइंट पे चला जाएगा, और सुदूर पूर्वी सबसे पूर्वी कौन सा, अब यहाँ तो मैं तो ये पहले बताया सबसे दक्षिणी वाला तो इंदिरा पॉइंट हो गया, और यहाँ सबसे उत्तरी अगर पूछे तो इंदिरा काल, जो कि कश्मीर में ये लद्दाख में आ गया है,
तो सुदूर उत्तरी कहाँ चला आएगा, ये इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल पे हो जाएगा ये। और सुदूर पश्चिमी जो है ये गुजरात में है और गुजरात के गुहार मोती में ये हो जाएगा। और सबसे पूर्वी ये किबीथू, तो इस सेंस में अब हम कह सकते हैं ए वाला हमारा 3 पे जाएगा और बी वाला हमारा 1 पे जाएगा। ए वाला 3 पर और बी वाला 1 पर, तो ये तीसरा हमारा आंसर होगा और डी वाला तो 2 पर जाएगा। तो यस यही सही है हमारा, यही सीक्वेंस बन रहा है सेट में। तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा ये सब सही है अपनी जगह पे, सही है सब। आगे अगर हम लोग देखें ये 39 में, तो इसमें जो हमसे पूछ रहे हैं, करें निम्नलिखित कथनों में से काली मृदा के विषय में कौन सा कथन सही है। तो काली मृदा के सेंस में ये आपको कुछ कथन दिए गए हैं, तो जो सही होगा उसे ही बताना है। तो काली मृदा की जानते हैं हम लोग साथियों, जो महाराष्ट्र के आसपास क्षेत्रों बहुत बड़े स्तर पर है, कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी इसे कहते हैं क्योंकि इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और यही सब इसके थोड़ा सा होते हैं लक्षण में बताया। तो यहाँ पर पहला अगर कथन पढ़ेंगे तो यह मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है, इस मैंने बताया पहले ही हम महाराष्ट्र के आसपास से, तो यानी वही दक्कन वाले पठार में, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। और इस मृदा में फास्फोरस नाइट्रोजन और जैव पदार्थ की कमी होती है दोस्तों, यहाँ अधिकता दे दिया तो ये गलत हो गया, इसी में तो फास्फोरस नाइट्रोजन और ये जैव पदार्थों की तो कमी होती है ना, तो ज्यादा कहाँ से हो गया, ये अधिकता इसमें दे दिया, तो इसका मतलब ये दूसरा तो गलत हो गया। इस आधार पर हमारा आंसर का जो बन रहा है ये केवल एक होगा, ये वाला। तो यहाँ पर देख लेंगे हम लोग, तो बहुत ही बढ़िया, आगे चले हम लोग देखते हैं क्या है हमारा ये 40 में। ये साथियों एक अच्छा सवाल है यहाँ सूचकांक से संबंधित, करंट अफेयर्स रिलेटेड। तो जो इसमें है क्वेश्चन 40 में, 12 अक्टूबर 2023 को जारी वैश्विक भूख सूचकांक, यानी 2023 वाला पूछ रहा है, याद रखेंगे तो ये जो 23 का जो वैश्विक भूख सूचकांक है इसके संदर्भ में दो कथन दिया है, इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो आप लोग जानते हैं 2023 में जो वैश्विक भूख सूचकांक आया था तो उसमें जो है भारत जो है 111वां स्थान प्राप्त हुआ था, 111वां स्थान। अभी जो 2024 में भूख सूचकांक आया है इसमें भारत जो है थोड़ा स्थिति सुधार हुआ है, 105वां स्थान प्राप्त किया है। तो ये है, तो यहाँ पर यही बात लिखा है, यह सूचकांक कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हिल्फ द्वारा ये संयुक्त रूप से जारी किया गया, यस यही इसको, यही संस्था इसको जारी करती है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्डर हंगर हिल्फ, यही दो संस्थाएं मिलकर ये जारी करते हैं, ये बात तो सच है। इस सूचकांक 125 देशों में 111वां स्थान प्राप्त हुआ था, सोचो 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर था, यानी 110 देश भारत से बेहतर स्थिति में थे, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भी इसमें बेहतर दिखाया गया था भारत से। तो यहाँ दूसरा भी सही है, तो इस आधार पर हमारा आंसर जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। तो यहाँ पर वैश्विक भूख सूचकांक से संबंधित कुछ बातें लिखी गई है, पढ़ लेना। और 2024 में जो आया है उसमें भारत को 105वां स्थान मिला है, इसको भी जानते रहिएगा, 125 देशों की श्रेणी में। आगे अगर हम लोग देखें ये 41 में, तो ये साथियों कुछ नदियों से संबंधित आपको सवाल दिए गए हैं, नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को अवरोही क्रम में सजाना है हमें, और उसमें नाम दिया है कौन सा नाम, महानदी, नर्मदा, गंगा, कृष्णा। तो आप लोग एक बात तो यहाँ जान गए होंगे, चाहे आप पढ़ना स्टार्ट किए होंगे या नहीं, तो आप लोग जानते हैं जल ग्रहण क्षेत्र इसमें गंगा नदी का सबसे ज्यादा है, लगभग ये जो है 10 लाख जो है 86,000 वर्ग किलोमीटर का है, तो ये गंगा नदी का, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए गंगा पहले पर रहना चाहिए क्योंकि हमें अवरोही क्रम में पूछ दिया है। तो अवरोही क्रम का मतलब ये होता है साथियों सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं सबसे पहले गंगा रहना चाहिए इसमें, तो गंगा रहना चाहिए, तो इसका मतलब हम पहले को काट सकते हैं, ये पहला तो नहीं होगा, इसे पहले ही सामने से हटा दें। तो इन्हीं तीनों में से हमारा होगा, सबसे नंबर एक पर गंगा है, दूसरे नंबर पर ये कृष्णा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है, इसमें भी 2,58,000 के आसपास ये भी क्षेत्र जो है ग्रहण करती है, जल ग्रहण क्षेत्र है इसका। तो गंगा, कृष्णा, यानी कृष्णा दूसरे नंबर पर केवल इसी में है। तो
इसी के आधार पर हमने उत्तर को देख लिया कि हाँ यही होगा और कहीं ऐसा सीक्वेंस नहीं है। तो गंगा, कृष्णा, महानदी और गोदावरी, यहाँ पर इसका ये दिया गया है, इसे आप लोग देख लेंगे। तो आगे अगर हम लोग चले ये 42 में, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, तो आपसे जो पूछा जा रहा है इसमें जो बातें लिखी गई हैं 42 में, 1930 के दशक के दौरान विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन जो चलाया जा रहा था, तो उसके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित करना है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग एक जीव के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, तो ये बिहार में आंदोलन चलाए हुए थे, इनके बारे में तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो ये बिहार में आंदोलन कर रहे थे, ये किसान आंदोलन चलाए थे, तो इसका मतलब ए वाला 3 पर रहना चाहिए। तो ए वाला 3 पर आप लोग देख रहे हैं कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 2 वाले के पास है, तो यही आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसे 100% क्लियर हैं। यहाँ पर हम लोग अपने सोच से समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि इसे हमें पता होता है, तो जहां पर हम अडिग हैं उसे पहले हम लोग मिला दिया करें। तो इस आधार पर हमारा ये चला आएगा, यही हमारा आंसर होगा। और बी वाला तो 4 पे चला जाएगा, खुदाई खिदमतगार, आप लोग जानते हैं ये लाल कुर्ती आंदोलन चलाए थे, जिसे हम लोग अब्दुल गफूर खान कहते हैं, तो बहुत लंबे चौड़े शरीर वाले, ये बुलडोजर जैसे शरीर वाले थे, आप लोग जानते होंगे इसमें। तो ये जो है NWFP, तो उत्तर पश्चिम जो है ये क्षेत्र में था, ये वहां पर चलाया गया था, पश्चिमी उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में, ये हो जाएगा, ये चौथे पे चला गया। और हमारा जो सी वाला आ जाएगा, ये हैदराबाद में चलाए थे स्वामी रामानंद और अब्दुल हमीद खान, दक्षिणी असम में। तो ये हमारा जो बन रहा है यही है विकल्प नंबर हमारा 2 में। तो आगे अगर हम लोग देखें ये 43 वाले में, तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें जो कहा जा रहा है दोस्तों 43 वाले में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये घटनाओं के संदर्भ में कालक्रम, कुछ घटनाएं दी गई हैं, उन घटनाओं को हमें कालक्रम में सेट करना है कि पहले कौन सी घटना हुई, उसके बाद कौन सी घटना हुई और अंततः उसके बाद कौन सी घटना हुई, तो इसी को हमें सजाना है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं होम रूल आंदोलन, आप लोग पता है ये जेल से जब छूट कर आए थे बाल गंगाधर तिलक, वो चलाए थे, और उसके बाद जो है वो एनी बेसेंट भी चलाई थी। तो ये 1916 हो जाएगा, ये 1916 चंपारण सत्याग्रह के बारे में आप लोग जानते हैं, गांधी जी का प्रथम सफल जो आंदोलन था, ये 1917 में ये हो जाएगा। और जलियांवाला हत्याकांड, इसे कौन भूल सकता है, 1919 ये हो जाएगा। और अमृतसर आंदोलन, तो इसके बाद आप लोग जानते हैं ये भी 1919 में ही हुआ था। तो आप लोग सोचेंगे सर इसमें हम कैसे क्वालिफाइड करेंगे, भाई जिस साल जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसके बाद वहां पर जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यानी कांड होने के बाद अधिवेशन हुआ, तो इसका मतलब ये बाद में हुआ। तो सबसे पहले 16 वाला रहेगा, फिर 17, फिर ये सीधा सीधा सब मिले हुए हैं, यही बिल्कुल सिक्वेंस ही है इनका। तो 1 2 3 4 यही वाला हो जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। तो चले हम लोग देखते हैं, अप्रैल में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और दिसंबर में वहां कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ था। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ ये 44 वाले में, तो यहाँ पर जो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन ये 44 वाले में, तो इसमें क्या है, तो चले हम लोग देखते हैं ये 44 वाला। तो हाल ही में संपन्न हुआ, ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, सॉरी। तो हाल ही में जो संपन्न हुआ है युद्ध अभ्यास, 2024 के संदर्भ में 2 कथन है, इन दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देने हैं। तो आप लोग जानते हैं युद्ध अभ्यास जो होता है वो भारत और यूएसए के बीच होता है, इंडिया और यूएसए के बीच युद्ध अभ्यास होता है। तो युद्ध अभ्यास 2024 वाला जो हुआ है यह अमेरिका में इसका हुआ इस साल, भारत और एक तरह भारत और यूएसए के बीच हुआ, एक सैन्य अभ्यास होता है। तो यहाँ लिख दिया है भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, नहीं साथियों गलत हो जाएगा, इंडिया और यूएसए के बीच होता है। तो कह रहे हैं इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ, नहीं साथियों मैंने पहले बताया ये भारत अमेरिका के बीच होता है और इसका आयोजन इस साल अमेरिका में ही हुआ, तो दोनों के दोनों कथन गलत हो गए, चौथा हमारा होगा, न तो 1 सही है और ना ही 2 वाला। तो आगे आप लोग देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर के बीच हुआ ये,
तो कहां हुआ, ये अमेरिका के अलास्का में। आगे देखें हम लोग, अब ये 45, तो 45 में जो हमसे पूछे जा रहे हैं, तो निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और विचार करके हमें सही उत्तर देना है। नीचे दो दिए गए कथन हैं, उनको पढ़कर सही देना है उन्हीं के आधार पर। तो कथन कारण वाले सवाल हैं, कथन हमें दे दिया है और कारण दे दिया है, तो कथन को हम लोग पढ़ें। तो कह रहे हैं साथियों, शीत ऋतु में यानी ठंड में भारत में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पौने प्रवाहित होती हैं। उत्तर पूर्वी जैसे ऐसे समझ लीजिए, ये वाली पौने प्रवाहित होती है इस तरह से। तो यस बिल्कुल सही, ठंड में ये प्रवाहित होती हैं, बिल्कुल सही है। और इन पौनों के प्रभाव से देश के अधिकतर भागों में आर्द्र मौसम रहता है। तो साथियों आर्द्र मौसम कहाँ से रहेगा, ये हवाएं जो चलती हैं, आप लोग को मैं थोड़ा, ये मान लीजिए स्थल है और ये जल है, तो जब हवाएं जल से स्थल की तरफ आती हैं तब आर्द्रता लेकर आती हैं जल से, तो उसमें नमी रहती है। तो ये हवाएं जो चलती साथियों, ये तो स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, यानी स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं। तो इसका मतलब ये कहाँ से आर्द्रता लेकर आएंगी, तो ये तो गलत हो गया, जब समुद्र से आती तब ना, तो ये वाला तो कारण आपका गलत हो गया। इसका मतलब ये गलत, तो केवल एक सही है, तो ए सही है और आर गलत है, तो तीसरा यहां आपका आंसर होगा। बहुत सही, आगे देखते हैं हम लोग ये 46 में। तो 46 में आपसे जो पूछ रहे हैं कि ये कौन सा है, खान मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसके आधार पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो उसके अनुसार कौन से तीन राज्य भारत में बॉक्साइड उत्पादन में टॉप पर हैं? तो बॉक्साइड उत्पादन में साथियों टॉप पर जो साथियों है, ये ओडिशा, गुजरात, झारखंड, ये जो वार्षिक रिपोर्ट खान मंत्रालय से आई है 2022-23 वाली, उसके आधार पर, तो यही आपका होगा ओडिशा, गुजरात, झारखंड। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो टॉप पर यही है ओडिशा 73% बॉक्साइड, गुजरात जो है 8% और मतलब 9% के आसपास, और झारखंड लगभग 8% के आसपास इसमें योगदान देता है। आगे अगर हम लोग देखें ये 47 में, तो देखें इसमें क्या पूछ रहे हैं कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं के समूह क्या हो, जो स्टार्स होते हैं साथियों आसमान में, वो स्टार एक निश्चित आकृति में, एक सीक्वेंस में अगर वो बने रहते हैं तो उनके समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में हम लोग उससे साथियों कॉन्स्टिलेशन कहते हैं और हिंदी में उसे हम नक्षत्र कहते हैं। इन्हीं को साथियों एक अलग नाम हम लोग देते हैं, तारामंडल। तारामंडल का ही दूसरा नाम नक्षत्र है और उसी नक्षत्र को इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। तो विकल्प नंबर यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, ताराओं के व्यवस्थित समूह को जो है हम लोग नक्षत्र बोलते हैं, तारामंडल बोलते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर साथियों विश्व के कुछ पर्वतों का नाम है, कुछ पर्वत दिए गए हैं विश्व के और यहाँ पर कुछ देश के नाम दिए गए हैं। कौन सा पर्वत वैश्विक के सेंस में दिया है इस पर्वत, तो कौन सा पर्वत किस देश में है इसे हमें बताना है यहाँ पर। तो हम लोग इसे जानते हैं साथियों बहुत अच्छे से, बहुत पॉपुलर है अलेघनी, ये यूएसए में है। यूएसए मतलब वो अमेरिका में, क्योंकि बताना पड़ता है अमेरिका अगर नाम लेंगे तो उसमें क्लियर करना पड़ता है कहाँ, तो यूएसए, यूएसए का मतलब वो ट्रंप वाला, जो जो बाइडेन वाला है वहां, तो अलेघनी वहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब ए वाला हमारा 4 पे रहना चाहिए। तो देख ले हम लोग ए 4 पे कहाँ है, तो केवल इन्हीं दो जगह है, या तो यहाँ होगा या तो ये होगा। इन दोनों को हटा दीजिए अपने आंख के सामने से, ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि हमें क्लियर हो गया यही होगा। और मैकेंजी साथियों में क्लियर है, मैकेंजी कनाडा में है, ये हो जाएगा 1 पर चला जाएगा, तो इसका मतलब डी वाला 1 पर जाएगा। तो डी वाला देख रहे हैं 1 पर, केवल इसके पास है, ये नहीं है, तो इसका मतलब इसको हटा देंगे, ये उत्तर नहीं होगा, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाइएगा, नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आप आता हुआ प्रश्न भी गलत कर देंगे यहाँ पर। आगे अगर हम लोग देखें ये यहाँ पर आप लोग देख लेंगे तो ये 20, ये जो है 49 में हमारा क्या है 49 में, तो एक तरफ हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं, अनुसंधान संस्थान यानी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और दूसरी तरफ उनका लोकेशन है वो कहाँ है। तो साथियों बहुत ही गजब का सवाल है ये, कई बार सवाल ये पूछा जा चुका है विभिन्न एग्जाम में, थोड़ा सा एक इधर उधर करके पूछ लेता है। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग जानते हैं, आपको दिया गया है केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय चारा एवं
चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, और अगला है यहाँ केंद्रीय गोवंश अनुधान संस्थान। तो एक चीज यहाँ हम लोग क्लियर है साथियों, दो चीज यहाँ हमें बहुत अच्छे से क्लियर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान साथियों ये मथुरा में है, ये मथुरा में है, और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके झांसी में है। तो इन दोनों से हम लोग बहुत ही भली भांति परिचित हैं, बहुत ही पॉपुलर फैक्ट है ये। तो आप लोग देखें बी वाला हमारा चार पे होना चाहिए, बी वाला चार पे हमारा दो जगह है, एक तो यहाँ है एक तो यहाँ है, और या तो अब हम लोग सबको काट दें, ये सब हमारे उत्तर नहीं हो सकते। और ये जो हमारा सी वाला है, सी वाला एक पर होना चाहिए, तो सी वाला एक पर कहाँ है, तो यहाँ है दूसरे के पास, तो ये दूसरा हमारा आंसर होगा, यही होगा हमने मिला दिया। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सी वाला हमारा एक पर गया, डी वाला दो पर जाएगा, यानी केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान ये मेरठ में है, और बचा आपका एक, इसका तो स्थान यही है इज्जत नगर में, केंद्रीय पंछी अनुसंधान संस्थान, तो दूसरा हमारा ये आंसर हो जाएगा नंबर दो। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, तो अगला क्या है हमारा, तो 50वें में ये कुछ झीलों से संबंधित आपको कुछ दिया गया है, भारत में झीलों के बारे में कौन सा कथन असत्य है उसे बताना है 50वें वाले में, तो जो असत्य है उसे बताना है। यहाँ पर आप लोग को दे दिया है कोलेरू झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, यस आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील स्थित है, ये आंध्र प्रदेश में ही है। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है, यस ये भी सही है, लेकिन अभी भी हमें आंसर नहीं मिला क्योंकि हमें असत्य बताना है, असत्य अभी आएगा तो हम बताएंगे। चिल्का झील ओडिशा में खारे पानी की लैगून झील है, लैगून झील का मतलब यही होता है साथियों वह समुद्र के किनारे हो और उसमें समुद्र का पानी यानी खारा पानी भरा हो, ये लैगून झीलें होती है, ये भी सही है। और पुलिकट झील ये कह रहे हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है, तो नहीं साथियों पुलिकट झील है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी ANDमें लिख दे रहा हूँ और TMD लिख दे रहा हूँ, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर ये आपका पुलिकट झील है, तो इसे याद रखेंगे। तो ये गलत हो गया, तो चौथा हमारा ये यहाँ पर गलत है, तो विकल्प नंबर यहाँ केवल चार गलत है, तो आपका उत्तर ये चौथा हो जाएगा, बाकी सब सही है अपनी जगह पे। आगे हम लोग अगर देखें यहाँ ये 51 वाले में, तो 51 वाले में जो हमसे पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 51 में, तो किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है, तो लेमन घास का प्रयोग जो है हम लोग ये प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है, तो लेमन ग्रास से ये सिट्रोनेला नामक एक तेल निकलता है, उसी का प्रयोग करके हम लोग मच्छर प्रतिकर्षी उत्पाद बनाते हैं, यानी जो एक तरह की मच्छर भगाने की जो दवा होती है उसमें जो भगाने में बनाया जाता है, यही लेमन घास का, घास से तेल निकालते हैं उसी का प्रयोग करके हम लोग उसे बनाते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो ये 52 में ये मैचिंग वाले सवाल फिर हैं, तो एक तरफ हमें नदियों के नाम दिया गया है और दूसरी तरफ वे कहां पर अपना जल गिराती हैं वो दे दिया गया है। तो साथियों बहुत ही गजब का, इसमें हमको जब मैं पहली बार ये क्वेश्चन को पढ़ा तो हमें कोई नहीं मालूम था, सिर्फ माही के बारे में मालूम था। ये माही नदी साथियों आप लोग देखेंगे गुजरात में, जो माही नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, अलकपूझा हो गई, ये सब जो है पश्चिम की तरफ बहती है, तो ये गुजरात में बहती है आप लोग जानते हैं, तो खंभात की खाड़ी होते हुए अरब सागर में अपना जल गिराते हैं, तो इसे हमें मालूम था। तो ये अरब सागर में जल गिराती है क्योंकि पश्चिम में बहती है, तो भाई निश्चित सी बात है अरब सागर में ही गिराएगी, इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही लेना, पूरब वाली जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो माही वाला हमारा चला जाएगा अरब सागर पर, क्योंकि ये इंडिया में है तो हम लोग इंडिया से भली भांति परिचित हैं। तो ये डी वाला हमारा तीन पे चला जाएगा, देख लो आप केवल यही में है, डी तीन के पास बैठा हुआ है और कहीं ऐसा नहीं है, तो सीधा सीधा आप आंख मूंद कर यही उत्तर लगा के निकल जाना समय बचाकर, यहाँ पर ज्यादा मंथन न करिए। तो इसका मतलब हमें पता लग गया, क्योंकि हमें बताना भी है हाँ अब कौन सा सही होगा, तो पता ही लग गया ए वाला दो पर चलाएगा, लीना नदी जो है ये अंटार्कटिक सागर में अपना जल ग्रहण जल मतलब प्रवाहित करती है, और ये जो आमूर नदी है ये प्रशांत महासागर में, और बचा एक टिग्रिस ये फारस की खाड़ी में, तो इसका यही हो जाएगा, तो सही है सब हमारा, यही सही होगा एक वाला। आगे देखें हम लोग, तो
इसको देख लीजिएगा आप लोग कहाँ है, आमूर मंगोलिया चीन रूस पर है, लीना रूस में है, ये तो मैं बता दिया, मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान ये है, और इसके सेंस में ये है। आगे अगर हम लोग देखते हैं ये तिरपन वाले में, तो तिरपन वाले में हमें जो पूछ रहे हैं क्या है यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 53 में कौन सा सही है, ये कथन दिए गए हैं हमें, चार कथन है, इन कथनों के आधार पर हमें सही से पढ़कर बताना है, सही उत्तर देने। तो पहला आप लोग पढ़ेंगे तो कह रहे हैं साथियों, चीन जो है चाइना संसार में कोयला उत्पादन में सबसे आगे है, तो यस सबसे आगे है, इसमें कोई डाउट नहीं, चाइना ही सबसे पहले नंबर पर है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन एक है साथियों, कोयला उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण उसकी घाटी है यूक्रेन, अभी रूस यूक्रेन का मामला था तो इसलिए दिया है, ये भी सही है। और जर्मनी में सार क्षेत्र एक है प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र में, वो भी है, और जो संयुक्त राज्य यानी यूएसए जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला उत्पादन क्षेत्र अपलेसियन प्रदेश है, यस। तो ये चार के चारों कथन हमारे सत्य निकले, तो इसका मतलब आपका आंसर जो होना चाहिए वो ये चौथा होगा सभी वाले में। आगे अगर हम लोग देख लें यहाँ पर तो कुछ नहीं है, आगे देखें हम लोग तो यहाँ पर एक हमें अब एंशियंट से सवाल मिल गया है, हड़प्पा पुरास्थल एक दे दिया है और उसका संबंध दे दिया है कहाँ से, किस हड़प्पा पुरास्थल का संबंध किससे है, तो वही हमें बताना है किससे है। तो साथियों हम लोग जानते हैं ये लोथल जो था, हड़प्पा स्थल जो लोथल है ये कहाँ था साथियों, भोगवा नदी के किनारे, तो विकल्प नंबर ये दो वाला तो हम सबसे ज्यादा क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये लोथल नदी कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे तट पर था ये, तो बी वाला एक पर होना चाहिए। आप लोग देख लो बी एक पर कहाँ है, बी एक पर है या यहाँ पर है तीसरा वाले में, तो इसका मतलब आपका उत्तर यही होगा, क्योंकि इससे हम भली भांति परिचित हैं, इससे हम एकदम 100% क्लियर हैं, तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से इसको हम पकड़ लिए कहाँ, यही है ये, और यहाँ पर आप लोग दैमाबाद आप लोग जानते हैं ये महाराष्ट्र में, जैसे आप लोग जब पढ़ेंगे हड़प्पाई स्थल, आप लोग को गुरु जी ऐसे पढ़ाए होंगे, ये सबसे उत्तरी स्थल, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी और सबसे पश्चिमी, तो सबसे दक्षिण में एक स्थान है दैमाबाद, महाराष्ट्र में है और वो प्रवरा नदी के तट पर है, तो यहाँ आप लोग देख लेंगे ये जो दैमाबाद ये महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे है, ये तो आप लोग देख लिए, इसका मतलब मैं आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, हमें आंसर मिल गया, हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आप थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हमारा ए वाला तो तीन पर चला आएगा हमारा, ये दधेरी जो है गोदावरी नदी के तट पर, और बचा है एक बेचारा, इसका तो कहीं रास्ता नहीं है, यही है इसका जाना, यही है तीसरे वाले के पास, तो फिलहाल हो गया हमारा। आगे चलते हम लोग ये 55 में, तो यहाँ पर क्या है हमारा 55 वाले में, एस आई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें, एस आई यूनिट के बारे में आप लोग के गुरु जी जो है 9वीं क्लास से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिए होंगे, तो उसी से हम ये सवाल बना हुआ है। तो कार का मात्रक साथियों ये जूल होता है, एकदम सही, ये तो सही है, लेकिन अभी उत्तर नहीं है, उत्तर हमारा कौन सा गलत है उसे बताना है। तो बल का मात्रक ये न्यूटन होता है, और ये द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, दाब का साथियों ये पास्कल होता है, डाइन नहीं होता है, तो ये आपका जो है उत्तर ये गलत हो गया, तो यही आपका गलत हुआ, यही आपका आंसर बनेगा, कि दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, मैंने पहले बताया। और आगे चले हम लोग अब देखते हैं, तो सीजीएस मात्रक में इसका जो है ये डाइन होता है, तो सीजीएस के सेंस में डाइन होगा और एसआई के सेंस में ये पास्कल होगा। आगे चले हम लोग ये 56 में, तो यहां पर क्या है, ध्वनि का अधिकतम वेग किस में होगा, तो साथियों ध्वनि हम लोग जानते हैं एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ध्वनि, क्योंकि उसे अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब ये होता है उसे आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी माध्यम का सहारा होना चाहिए, चाहे वो जल हो, वायु हो, धातु हो, कोई भी होता है, और उसमें आप लोग जानते हैं सबसे ज्यादा तेज जो चलती है वो इस्पात में चलती है, यानी एक तरह से स्टील में, तो विकल्प नंबर ये चार जो हो जाएगा यही है कि सबसे अधिक वेग किसमें होगा, स्टील में होगा। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है किस मौसम में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, तो ठंड में जब वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि वायु ज्यादा कंप्रेस होती है तो उसके संचालन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है उसमें। आगे चले हम लोग देखते हैं ये 57 में क्या है,
कथनों में से कौन सा कथन सही है, कुछ आपको कथन दिए गए हैं उसे बताना है हमें जो सही है कथन है। तो सही के आधार पर हमें तीन कथन दे दिए गए हैं, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। वैदिक देवता को पुरोहित अग्नि को माना जाता था, वैदिक देवताओं का पुरोहित अग्नि को माना जाता था। साथियों गलत, आप लोग जब ये वैदिक काल वाला ये जो पीरियड पढ़ेंगे तो उसमें बृहस्पति लिखा आएगा, तो वैदिक देवताओं का जो पुरोहित माना जाता था वो बृहस्पति को माना जाता था, तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया। अब इसका मतलब जहां जहां एक होगा वो हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सही पूछा है और ये पहला गलत हो गया, तो आप इसे हटा दीजिए और इसे हटा दीजिए। अब देखते हैं हमारा क्या उत्तर बनता है। उपनिषद, उपनिषद काल के राजा अश्वपति विदेह के शासक थे, नहीं समझ में आया। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले का आभूषण था यश, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं हमारा ये केवल ये तीसरा है, प्रथम दोनों गलत हो गए। आगे चले हम लोग, देखते हैं इसका मतलब हमारा ये केवल क्या सही हुआ, यहाँ पर केवल तीन सही है ये वाला। आगे चले हम लोग देखते हैं, तो इस आधार पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर ये 58 बना है, तो इसे अगर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं नोबल पुरस्कार से संबंधित, तो 58 वाले में, तो वर्ष 2023 के चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस के क्षेत्र में जो नोबल पुरस्कार मिला है उसके संदर्भ में कथन दिए गए हैं, और उसी आधार पर हमें बताना है कौन सा सत्य है हमारा। तो पहला वाला अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो कह रहे हैं इस वर्ष का पुरस्कार कैटालिना कारिको को मिला है और ड्रू विशमैन को मिला है, संयुक्त रूप से इन्हीं दोनों को मिला है। जी इसमें कोई डाउट नहीं, 2023 का जो मेडिकल साइंस में नोबेल अवार्ड मिला है इन्हीं दोनों को मिला है। और ये दूसरा क्या कह रहे हैं, ये नोबेल पुरस्कार इसमें mRNA से रिलेटेड जो कोविड वैक्सीन जो बनाई गई थी उसकी तकनीक को बनाने के लिए, तो यही लोग दिए गए थे, इनमें इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। mRNA कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी विकसित किए थे उनमें इनको बड़ी योगदान था, उसी के सेंस में कैटालिना कारिको और ड्रू विशमैन को दिया गया। तो दोनों बातें सही हैं, आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर इसका एक मैपिंग बनाया गया हुआ है, आप लोग इसे देखेंगे, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार और ये कैसे कैसे मिला, इसके सेंस में ये मैप बना हुआ है। आगे अगर देखेंगे हम लोग ये 59 में, तो 59 में साथियों ये कह रहे भारत के किस दर्शन को लोकायत दर्शन कहा जाता है। बहुत गजब का सवाल, ये एक कहावत होता है उसे आप लोग अपने दिनचर्या में इस्तेमाल करते होंगे, ये लोकायत दर्शन। तो लोकायत का मतलब है लोगों के कायम के लायक, तो लोकायत ये लोक का मतलब आप लोग जानते हैं पब्लिक होता है, तो किस दर्शन को, यहाँ फिलॉसफी है, ऐसा कौन सा दर्शन है जो जिसे लोकायत दर्शन कहा जाता है। तो यहाँ न तो बौद्ध है न तो जैन है न तो वैशेषिक है, चार्वाक दर्शन है। चार्वाक दर्शन आप लोग पढ़ेंगे तो आपको यही सार आएगा जो कहावत होती है, कुदार लेकर घी पीना तो मर जाना कोई परवाह नहीं। तो उधार लेकर जो घी पीते हैं उनका यही कामना है कि जो हम करते हैं इसी जन्म में करते हैं, जो भोगते हैं इसी जन्म में, पुनर्जन्म या उस जन्म कुछ नहीं होता, ये केवल ढकोसला है, इस टाइप की इसमें बातें लिखा गया है। यानी ये लोक बातों का यानी ये जो देवताओं पर ये बल नहीं देता है, ये ज्यादातर मानव पर ही बल देता है, यहाँ आप जो करोगे यही करोगे, उसका सजा यही भुगतोगे, तो वही चीजें है यहाँ। तो विकल्प नंबर ए चार्वाक दर्शन आप लोग पढ़ोगे तो उसमें यही आपको सेंस मिलेगा, उधार लेकर घी पीने वाला। तो क्योंकि इसमें ईश्वर का डर नहीं होता है, क्योंकि और सारे धर्म जो है बौद्ध दर्शन इसमें पढ़ोगे तो आपको डराएंगे कि हाँ ऐसा होगा, ये मतलब इसका भुगतान करना पड़ेगा, ये होगा, तो उसमें आपको देवताओं का डर दिखाया जाएगा, जबकि चार्वाक में यहाँ देवता मानते ही नहीं, तो इसमें कोई डर नहीं है उनका। तो आगे देखें हम लोग अगर ये 60 वाले में, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। तो साथियों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है, तो आप लोग जानते होंगे रुद्रदामन साथियों जो था वो मतलब एक बहुत बड़ा संस्कृत प्रेमी था तो वो विदेशी लेकिन बहुत संस्कृत प्रेमी था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में है तो ये संस्कृत में लिखा गया है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखें अगर 61 में, तो 61 वाले में जो हमसे बात किया जा रहा है ये किसने दिल्ली के सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो आप लोग जानते हैं जो प्रथम दिल्ली का दिल्ली सल्तनत आप लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे
तो उसमें आपको लिखा आएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक बना, तो वही बना, लेकिन वो वास्तविक शासक नहीं कहा जाता है। वास्तविक शासक साथियों इल्तुमिश को कहा जाता है, क्योंकि उसने दिल्ली को अपनी राजधानी को मजबूती से बनाया और शासन किया, तो इल्तुमिश को दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। तो यही है विकल्प नंबर दूसरा। इससे पहले जो है ऐबक ने लाहौर को राजधानी बनाया था, तो इल्तुमिश आया तो वो जो है दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन किया। आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो 62 में, तो 62 में जो हमसे लिखा जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि मैचिंग वाला सवाल है ये, सूची एक दे दिया है और सूची दो, तो इन्हीं दोनों को हमें मिलाकर बताना है कौन सा हमारा ये सीक्वेंस तैयार हो रहा है। तो रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात, यहाँ पर ये जो चार नाम है, तो साथियों आप लोग अगर वो देखे होंगे एक मूवी आई थी पद्मावत, तो उसमें अलाउद्दीन और ये सब राजा चित्तौड़ का ये सब मामला दिखाया गया है, तो उसके आधार पर ये देखोगे चित्तौड़ जो है वो राणा रतन सिंह के मतलब सेंस में है, राणा रतन सिंह ये वाला इस पर चला आएगा, और ये तो चला आएगा बी वाला चार पे होगा, तो बी वाला चार कहाँ कहाँ पर है, तीनों में है, तो नहीं काम बना। तो देवगिरी, तो राजा रामचंद्र ये इस पे चला आएगा ये वाले पर, तो सी वाला हमारा दो पर होना चाहिए, तो सी वाला दो पर होना चाहिए, सी वाला दो पर, देखो सी वाला दो पर हमारा ये आधार पर हम कह सकते हैं एक यहाँ है और एक यहाँ है, और पहला वाला में हम लोग देखे कि बी वाला हमारा चार पे है, बी वाला चार पे है, तो इसका मतलब ये चौथा वाला हमारा होना चाहिए। यस देखते हैं हम लोग, यस चौथा वाला ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ चौथा वाला ही है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये रणथंभौर, हमीर देव, चित्तौड़ राजा रण सिंह, और देवगिरी राजा रायचंद रामचंद, ये राजा राय रामचंद्र, और गुजरात में ये कर्णदेव, सही है, तो डी ही हमारा सही है। आगे देखें हम लोग, तो यहाँ जो 63 में लिखा गया है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किस वंश के समय संबंधित थे, तो महाभाष्य के किसने लिखा है साथियों, यह पतंजलि ने लिखा है, तो यह किससे संबंधित थे, यह शुंग वंश से संबंधित थे पतंजलि, विकल्प नंबर ये आपका चौथा हो जाएगा। तो आगे अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो किताबुल यामिनी के लेखक कौन है, तो साथियों उतबी ने लिखा है इसे, विकल्प नंबर ए हो जाएगा, किताबुल यामिनी ये उतबी ने लिखा है। आगे देखें हम लोग, तो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार उतबी था, यहाँ जो एक्सप्लेनेशन में है, और तो किताबुल यामिनी तारीख है यामिनी नामक ग्रंथ लिखा है उतबी ने। तो आगे देखें हम लोग अगर, ये 65 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और विचार करके हमें सही उत्तर को बताइए, तो इस चुनाव में कैमला हैरिस रिपब्लिकन पार्टी की प्रत्याशी हैं, तो साथियों यस ये तो थोड़ा सा गलती किया इसमें, कमला हैरिस जो साथियों अभी तक जो बाइडेन जब राष्ट्रपति थे तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति थी, तो जो बाइडेन ने जब निर्णय लिया जब ट्रंप के ऊपर हमला हुआ उसके बाद जो बाइडेन ने निर्णय लिया कि हम राष्ट्रपति के चुनाव के रेस में नहीं है, तो कैमला हैरिस जो अब तक उपराष्ट्रपति थी वो उन्हें राष्ट्रपति का चेहरा बनाया गया, लेकिन साथियों इनका पार्टी रिपब्लिकन पार्टी नहीं, ये तो ट्रंप वाली पार्टी है रिपब्लिकन, तो ये नहीं है, तो वहां पर एक दूसरी करके एक तरह की करके पार्टी है, उसका नाम अभी लिखा होगा इसमें एक्सप्लेनेशन में याद नहीं आ रहा है, डेमोक्रेटिक करके है वो पार्टी, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये दूसरे पार्टी दे दिया। कमला हैरिस 2021 से अमेरिकी की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी थी, यस दूसरा तो सही है, यहाँ आपका विकल्प ये दो सही हो जाएगा। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, ये मैंने बताया ना ये डेमोक्रेटिक टाइप का नाम है इनका, तो यही इनकी पार्टी है, और जो वो पार्टी थी तो ये रिपब्लिकन ये ट्रंप वाली है। तो आगे देखें हम लोग अगर, यहाँ लिखा भी है डोनाल्ड ट्रंप जो है इससे संबंधित। आगे देखें ये 66 में क्या है, तो 66 में साथियों जो हमें जो दिया जा रहा है इसमें क्या है, ये 66 वाले में तो मैचिंग वाले सवाल हैं, एक तरफ हमें अधिकारी अधिकारी दिया है, दूसरी तरफ ये विविध कर्तव्य है, तो इसी हिसाब से हमें मिलाना है साथियों इसे।
तो चले हम लोग मिलाते हैं। तो दीवान ए तन मुस्तारफी मुशर्रिफ वाकिया नवीस, तो इसमें क्या है तो देख लेते हैं एक बार हम, थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसमें जो है हमारा जो ये वाला जो होगा, ए वाला जो है दीवान ए तन, ये चला जाएगा साथियों हमारा ये तीन के पास, ये जागीर वेतन को देखने वाला जो मामला था इस पे चला जाएगा, और जो हमारा ये बी वाला था ये चार, ये दो मुश्तारफी है ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था, और जो हमारा ये सी वाला है ये मुशरिफ, ये चला जाएगा साथियों एक पर कार्यभार को संभालने के लिए और वाकिया नवीस राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। तो इस हिसाब से हमारा ये सी डी वाला, ये सॉरी ये दो वाला हो जाएगा ये, सॉरी आगे देखें हम लोग। तो हम लोग अगर देखते हैं यहाँ 67 में, तो कौन सा कथन सही है, तो जो सही है उसे बताना है। विदेशी यात्री फ्रांसिस्को पेल्सर्ट शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। तो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था, तो साथियों ये एक बात गलत है, शाहजहां के शासनकाल में नहीं, यह जो है जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर के शासनकाल में फ्रांसिस्को पेल्सर्ट आया था, कह रहे हैं वह पुर्तगाली था, तो नहीं साथियों यह डच था। तो दोनों कथन हमारे गलत हो गए, न तो एक न तो दो। आगे देखें तो यहां पर जो 68 वाले में जो पूछा जा रहा है हमें, इसमें कह रहे हैं कि ये भी मैचिंग वाले, एक तरफ हमें सूफी संत दे दिया है और दूसरी तरफ हमें यहाँ सिलसिला दे दिया है। तो सूफी संत और सिलसिला से संबंधित जो बातें हैं तो इसे हमें मिलाना है। हमें एक चीज यहाँ क्लियर है, ये शेख निजामुद्दीन औलिया ये चिश्ती सिलसिला से संबंधित हैं, तो ए वाला दो पर होना चाहिए। ए वाला दो पर केवल यहाँ पर बैठा है और कहीं नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारा उत्तर होगा। इस हिसाब से अब हम कह सकते हैं बी वाला हमारा तीन पर आएगा, तो शेख अमहद सरहिंदी ये नक्शबंदी सिलसिला संबंधित हैं। अब्दुल कादिर जलानी ये वाला आ जाएगा चौथे पर कादरिया सिलसिला से, और बहाउद्दीन जाकरिया ये तो यही पर इसका ये सुहरावर्दी हो जाएगा। तो इसको याद करने का एक ट्रिक भी होता है, हम लोग के गुरुजी बताए थे जब पढ़ाते वक्त, हम लोग सुराही में जब पानी भरेंगे तो बहने लगेगा, तो यहाँ एक चीज देखें सुराही टाइप का कुछ नाम है, बहाउद्दीन यानी बहने टाइप का कुछ है, तो इससे दिमाग में बैठा लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें खास करके जो हिंदू धर्म से संबंधित होते हैं ये सब चीजें थोड़ा सुने पढ़ने में थोड़ा सहज लगती है, थोड़ा थोड़ा याद कर, पढ़ने में तो नहीं याद करने में थोड़ा सा वो दिक्कत महसूस करती है। तो जिससे संस्कृत टाइप का कुछ नाम होता है तो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए थोड़ा सा याद वाद करना कठिन हो जाता है, बिल्कुल उसी टाइप का। तो ऐसे ही तो 69 जो है ये वाला सवाल जो है क्या कह रहे हैं इसमें, सेमीकंडक्टर पार्क, उत्तर प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में ये किया जाएगा साथियों, विकल्प नंबर ये नोएडा में। आगे देखें हम लोग 70 में, 70 में यहाँ पर जो पूछा जा रहा है दोस्तों ये क्या है, सूची एक सूची दो को मिलाना है और मिलाकर हमें बताना, एक तरफ विदेशी यात्री और दूसरी तरफ देश, कौन से विदेशी यात्री किस देश से थे साथियों इसे हमें बताना है। तो यही हमारा जो है ये सही उत्तर बताना है हमें। तो साथियों यहाँ पर हम लोग जो देखे हैं ये निकोलो डी कॉन्टी, निकोलो डी कॉन्टी हम लोग इससे परिचित हैं, तो ये कहाँ से है साथियों, ये इटली से था, निकोलो डी कॉन्टी ये इटली से था, तो बी वाला हमारा तीन पे होना चाहिए। तो बी वाला तीन कहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और बाकी कहीं नहीं है, तो इसे हम हटा देंगे, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता, तो इन्हीं में से हमारा कोई उत्तर होगा। चले हम और आगे बढ़े, डोमिंगो पायस यह पुर्तगाल से था, इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं क्योंकि कई बार ये चीजें हम लोगों के पास आती हैं, तो ये सब चीजें हम लोग को याद रहती हैं। तो ये हो गया, तो सी वाला हमारा चार पे जाएगा, तो सी वाला चार पे कहाँ है, सी वाला चार इसके पास है, तो ये हमारा उत्तर होगा सी वाला तीन वाला नंबर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं डी एक के पास चला जाएगा हमारा, ये फ्रांस के पास, और जो बचा है एक ये रूस के पास आ जाएगा। तो साथियों हम लोगों ने 70 क्वेश्चन तक हम इसको देखते हैं, आधा देख लिए, तो बाकी के जो 70 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, और बाकी क्योंकि पार्ट वन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो
लंबा होने में आपको भी प्रॉब्लम होगा और हमें भी, तो लंबा ना हो जाए इसलिए हम 70 तक इसे रोक रहे हैं। और आगे आप लोग कमेंट बताइएगा, इसको हम लोग इसके 70 के बाद जो 70 से लेकर 140 तक, इसको हम लोग पार्ट टू में जो है अच्छे से देखते हैं, क्योंकि अभी बताना आपके लिए भी अपच हो जाएगा, हमारे लिए भी दिक्कत होगी थोड़ा सा, मैं तो दिक्कत सह लूंगा, लेकिन आप लोगों की जो डिमांड होती है सर लंबी ना होने पाए, क्योंकि छोटे छोटे दो पार्ट में कर देंगे तो उससे ज्यादा बेहतर होंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, इसी टेस्ट सीरीज का अगला भाग जस्ट इसी के बाद अपलोड किया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।